गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्यू। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है स्टैक एंड क्यू। दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टैक हम पढ़ चुके हैं जब हमारी ऑफलाइन क्लासेज हुई थी तब। आज हम पढ़ रहे हैं क्यू। क्यू इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर देयर आर टू एंड्स, वन फॉर इंसर्शन एंड अदर फॉर डिलीशन। जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्टैक के अंदर तो केवल एक ही एंड था जहाँ से आप एक ही जगह से आप डिलीट कर रहे थे और एक ही जगह से आप इंसर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको टू साइडेड ओपन बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आप एक जगह से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और एक जगह से ही आप डेटा डिलीट कर सकते हैं। जिस एंड से डेटा इंसर्ट होगा उस पॉइंट को बोला जाएगा रियर, और जहाँ से डेटा डिलीट होगा उसे बोला जाएगा फ्रंट। इसको हम एक रियल एग्जांपल में समझते हैं कि जैसे एक टिकट काउंटर है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 पीपल ऑलरेडी इन द रो है और आप आ जाते हो यहाँ पे 6 नंबर पे, तो यहाँ पर सबसे पहले उसी को ही टिकट अलॉट होगा जो इस रो में सबसे पहले होगा। अगर आप यहाँ पे एंड में हो तो आपका नंबर सबसे एंड में ही आएगा। तो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है क्यू। जो पहले क्यू में होगा वो पहले सर्व होगा। जो एलिमेंट क्यू में सबसे पहले इंसर्ट हुआ है उसी को ही सबसे पहले डिलीट किया जाएगा। आप रैंडमली किसी को भी डिलीट नहीं कर पाओगे। जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले डिलीट होगा, अदरवाइज आप किसी को रैंडमली डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दो एंड होते हैं, एक होता है रियर जहाँ से हम डेटा को एन क्यू करेंगे, एन क्यू का मतलब होता है डेटा को इंसर्ट किया जाएगा, और एक एंड होता है जहाँ पर हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, वो होता है फ्रंट एंड। जब मान लीजिए इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है, मान लीजिए कि फ्रंट एंड एंड क्यू इज एम्प्टी, यहाँ पर केस होगा कि जब भी क्यू के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं होता है, क्यू एम्प्टी होती है, इसका मतलब फ्रंट एंड रियर बोथ आर -1। अगर किसी भी क्यू के अंदर कोई भी डेटा एलिमेंट नहीं है, अगर वो क्यू एम्प्टी है, तो दोनों पॉइंटर फ्रंट और रियर दोनों -1 पे सेट होंगे। यानी मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये भी -1 है अभी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी क्या है -1 है। ध्यान रखना डेटा हमेशा रियर से ही इंसर्ट होगा। आप चाहो तो रियर को आगे लेके आ जाओ, फ्रंट को पीछे लेके आ जाओ, लेकिन इंसर्शन हमेशा रियर से ही होगा, चाहे आप उसको आगे रखें या पीछे रखें, वो आपको एज यू विश है। अब बात आती है कि जैसे हम क्यू एम्प्टी होता है तब तो इनकी वैल्यू -1 होती है। अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देखिए आप क्यू के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले होता है एन क्यू। एन क्यू का मीनिंग होता है कि आप कोई भी एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो एन क्यू किया, एन क्यू 5, तो सबसे पहले रियर पॉइंटर अभी कहाँ पर है, -1 पे है। तो जब भी डेटा इंसर्ट होगा तो यहाँ पर रियर की वैल्यू बढ़ेगी, रियर ++ होगा। तो रियर की वैल्यू -1 है, तो -1 एंड +1 इज इक्वलेंस टू 0। अब जो डेटा है यहाँ पे 5 वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा और रियर यहाँ पे होगा। और जब भी फर्स्ट डेटा इंसर्ट होगा जब भी हम फर्स्ट टाइम डेटा इंसर्ट करेंगे, जब भी पहला एलिमेंट इंसर्ट होगा, तब फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू +1 हो जाएगी। यानी कि फ्रंट भी कहाँ आ जाएगा, अब इसी के साथ में ही आ जाएगा। When we insert very most or very first element of queue, then front and rear is equivalent to 0 element या first position। यानी कि यहाँ पर रियर की वैल्यू भी 1 हो गई और फ्रंट की वैल्यू भी ++ हो गई, यानी 1 हो गई। अब हम आगे जब भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तब रियर की वैल्यू बढ़ेगी, ना कि फ्रंट की वैल्यू बढ़ेगी। When we enqueue, then only rear increments
फ्रंट इज स्टे वेयर इट वॉज द लास्ट पोजिशन। तो अगला जैसे मैंने एन क्यू किया, एन क्यू 10, तो अब रियर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो रियर की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, तो रियर प्लस प्लस करिए आप, 0 से 1 हो जाएगा, तो रियर अब इसको छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा 10, अब रियर की पोजीशन है 1। ऐसे मैं एक बार और कर लेता हूँ, एन क्यू 15, तो अब यहाँ पर जो रियर की वैल्यू है 1, यहाँ रियर में और इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पर हम वैल्यू डाल सकते हैं 30, कुछ भी डाल सकते हो, जैसे 15 है तो यहाँ पर आप 15 ले सकते हो। ध्यान रखना जब भी डेटा इंसर्ट होगा, जब फर्स्ट टाइम हम इंसर्ट करेंगे तब फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब हम आगे हम एन क्यू करेंगे तब हमेशा रियर आगे बढ़ता रहेगा। अब रियर की वैल्यू हो गई है यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास 3 एलिमेंट ही है, अब रियर कहाँ आ गया है, मैक्सिमम पे आ गया। अब अगर आप एन क्यू करवाओगे, एन क्यू 6, अब यदि आप एन क्यू करवा रहे हो 6 पे, देन यहाँ पर मैसेज आएगा क्यू इज फुल या ओवरफ्लो। ध्यान रखना जब भी रियर पॉइंटर मैक्सिमम साइज तक पहुँच जाता है तब क्यू क्या हो जाती है, फुल। इट मीन्स यू कैन नॉट इंसर्ट एनी न्यू एलिमेंट इन क्यू। ध्यान रखना जब भी रियर की पोजीशन मैक्सिमम क्यू पॉइंट तक आ जाती है तब आप उसके अंदर कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे आप नया एन क्यू करोगे 6 यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्यू फुल हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड ऑपरेशन, डी क्यू। डी क्यू का मतलब होता है नेक्स्ट ऑपरेशंस है डी क्यू का मीनिंग होता है आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। सपोज वी हैव 3 एलिमेंट्स 5, 10 एंड 15, नाउ वी वांट टू डिलीट ऑल दैट एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी से डी क्यू, वी विल राइट लाइक दिस, डी क्यू 5, सॉरी इसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, आपको यू परफॉर्म करना है डी क्यू। रिमेंबर दैट इट वर्क्स ऑन फीफो, जो एलिमेंट पहले आया है वो एलिमेंट पहले ही आउट होगा, पहले ही डिलीट होगा। तो ध्यान रखना फ्रंट की वैल्यू अभी कहाँ पर है, फर्स्ट एलिमेंट पे है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डी क्यू मीन्स डेटा इक्वल्स टू क्यू का फ्रंट एंड फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट माइनस 1। रिमेंबर दैट अगर आप डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, क्यू को आप डी क्यू कर रहे हैं, तब ध्यान रखना हमेशा जो फ्रंट की पोजीशन होती है वो वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और फ्रंट एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो नाउ लेट्स सी एफ कहाँ पर है, 0 एलिमेंट पे है, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, डी क्यू मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो सपोज करिए आपने ये एलिमेंट डिलीट कर लिया, तो अब फ्रंट में क्या होगा, फ्रंट प्लस 1, यानी फ्रंट की वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई, इट मीन्स 0 एलिमेंट इज एम्प्टी नाउ। नेक्स्ट आपने और किया डी क्यू, सेम एलिमेंट यहाँ पे भी आ जाएंगे, अगेन वापस देखिए फ्रंट कहाँ पे है, 10 एलिमेंट्स पे है, तो 10 को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और फ्रंट में एक वैल्यू बढ़ा दी जाएगी, फ्रंट आ गया रियर के पास, यू कैन से फ्रंट यहाँ पे अभी। नेक्स्ट आपने एक बार और कर लिया डी क्यू, अब अगर आप डी क्यू करेंगे तो देखो यहां पर आप सबसे लास्ट एलिमेंट पे आप पहुंच चुके हो, तो यहां पर फ्रंट भी है और रियर भी है, तो अब अगर आप डी क्यू कर रहे हैं तो फ्रंट वाला एलिमेंट सबसे पहले डिलीट हो जाएगा, लाइक 15 इज रिमूव नाउ, अब फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो फ्रंट कहां पहुंच जाएगा,
आगे एलिमेंट, मतलब टू से कहाँ पहुँच जाएगा, थ्री पोजिशन पे। लेकिन जब भी फ्रंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, जब भी फ्रंट की वैल्यू आर से ज़्यादा होगी, देन क्यू इज एम्प्टी एंड सेट इक्वल्स टू एफ आर इक्वल्स टू माइनस वन। जब भी हम सारे एलिमेंट डिलीट कर देंगे, जब भी हम सारे एलिमेंट डिलीट कर देंगे, तब फ्रंट की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, रियर से ज़्यादा, तब पूरी क्यू एम्प्टी हो जाएगी और वापस इनको सेट कर दिया जाएगा फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू माइनस वन। इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी नाउ। अभी स्टॉप। अभी हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं, एक तो एन क्यू ऑपरेशन पढ़ा है। एन क्यू का मीनिंग होता है किसी भी न्यू एलिमेंट को क्यू के अंदर इंसर्ट करना। डी क्यू मीन्स डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू। क्यू के अंदर आप कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है, तब आप किसका यूज लेंगे, डी क्यू का। बट यहाँ पर कंसेप्ट यही चलेगा फीफो, जो एलिमेंट फर्स्ट आया है वही एलिमेंट फर्स्ट आउट होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है पीक। पीक का मीनिंग होता है आपको जो भी वेरी फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज यहाँ पर 10, 12 और 17 है, तो जो भी आपका वेरी फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जहाँ पर भी फ्रंट होगा, जहाँ पर भी फ्रंट की पोजीशन होगी, वो एलिमेंट आपको दिखाया जाएगा विदाउट रिमूविंग इट। केवल आपको वो रिटर्न किया जाएगा कि भाई पहला एलिमेंट कौन सा है, वो आपको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है इस फुल। इस फुल का मीनिंग होता है कि ये चेक करेगा कि क्यू फुल है या नहीं है, और फुल तभी होगी जब एन क्यू जो है वो टॉप के बराबर होगा। जैसे मान लो तीन एलिमेंट है मेरे पास, 0, 1 और 2, तो अगर मान लो रियर एंड पॉइंट पे आ गया, इट मीन्स इट इज़ फुल, आप कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। एंड इज एम्प्टी, वो ये चेक करेगा कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है, जब फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू माइनस वन होगी, देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल। तो ये तो थे इसके बेसिक ऑपरेशंस। अब कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए जो अभी हमने पूरा पढ़ा है, कि अगर फ्रंट और रियर माइनस वन होगा तो रिटर्न होगा क्यू एम्प्टी है। अगर हम फर्स्ट टाइम एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं क्यू के अंदर, तब रियर भी इंक्रीमेंट होगा और फ्रंट भी इंक्रीमेंट होगा, और उनकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेंगे। जब हम एन क्यू करते हैं, नॉर्मली हम एन क्यू करेंगे, तब रियर की वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट होगी बाय 1, और जब हम इंसर्ट करेंगे, सॉरी जब हम डी क्यू करेंगे, डिलीट करेंगे, देन फ्रंट की वैल्यू प्लस 1 से इंक्रीज हो जाएगी। जब रियर की वैल्यू टॉप तक आ जाती है, मतलब जो भी लास्ट एलिमेंट है, 5 है तो फोर्थ एलिमेंट लास्ट होगा, 3 है तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 2 होगा, तो वहाँ तक अगर ये पहुँच जाता है, तब क्या हो जाती है, क्यू इज़ फुल। और जब फ्रंट रियर से ज़्यादा होगा, यानी कि जब हम एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, तो फ्रंट की वैल्यू मान लीजिए सारे एलिमेंट डिलीट होने के बाद फ्रंट की वैल्यू रियर से ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर क्यू एम्प्टी हो जाएगी और वापस इनको सेट कर दिया जाएगा -1, ताकि आपको क्यू जो है वो एम्प्टी मिले। तो ये था क्यू के बारे में सभी टॉपिक्स। इससे ज़्यादा आपको अगर बुक में दिया हुआ है इम्प्लीमेंट करना, तो वो आपके सिलेबस में नहीं होगा। आप केवल आप बेसिक थिंकिंग यही रखें कि यही आपका सिलेबस होगा इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो।